हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक में अगर आप देखोगे कल के मार्केट सिनेरियो में, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था वो टूट गया है और शेयर जो है वो 13 रुपये से नीचे की क्लोजिंग देकर कल आपको मार्केट में क्लोज होते हुए नज़र आया है। मार्केट में कुछ यहाँ पे बहुत खबर फैलाई जा रही है कि SBI ने अपना पूरा पैसा यस बैंक से निकाल लिया है और अब यहाँ पे जो यस बैंक की हालत है वो बिल्कुल ख़राब होने वाली है। तो सारी चीज़ों पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या सच में ऐसा कुछ नज़र आ रहा है? क्या सच में यहाँ पे अब यस बैंक की जो हालत है वो और ख़राब होने वाली है, या फिर ये सारी जस्ट एक अफवाह नज़र आती हैं? सारी चीज़ों पे डिस्कशन करने वाले हैं। आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें कल के मार्केट सिनेरियो के बारे में, तो 12.85 रुपये पर यस बैंक आपको मार्केट में क्लोज होते हुए नज़र आया और यहाँ पे आपको जो ओवरऑल मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिल रही है उसका इफेक्ट आपको यस बैंक पर भी देखने को मिला। और यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था यानी कि 13 रुपये का, वो अब यहाँ पर आपको टूटता हुआ नज़र आया और जो शेयर है 12.85 रुपये के आसपास की क्लोजिंग देते हुए नज़र आया। अब जो सपोर्ट लेवल था 13 रुपये का वो रेजिस्टेंट लेवल बन गया है, यानी कि अब यहाँ से अगर कोई उछाल आता है तो सबसे पहले जो लेवल है वो 13 रुपये का टच होने वाला है। तो ये आपको यहाँ पे सिनेरियो देखने को मिला। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा कि कैसा वॉल्यूम रहा, कितनी डिलीवरी परसेंटेज रही। ओवरऑल सिनेरियो अगर आप देखो यहाँ पे, तो डिलीवरी परसेंटेज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है यस बैंक में, चाहे वो NSE पर हो या फिर BSE पर। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि जो भी लोग शॉर्टर पीरियड ऑफ टर्म के लिए यस बैंक में एंट्री ले रहे हैं वो यहाँ पे डिलीवरी उठा रहे हैं 13 रुपये के आसपास की, और करीबन 13.50 रुपये पर अपना माल बेच रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो हायर अमाउंट में यहाँ पे क्वांटिटी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, शॉर्टर टाइम के लिए जो प्ले कर रहे हैं उनको यस बैंक में बेनिफिट नज़र आ रहा है, क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि काफ़ी टाइम से जो यस बैंक है वो आपको 13.00 से 14 रुपये के बीच के लेवल में ही ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा था। तो लोग यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी बना रहे थे, मैंने भी आपको ये स्ट्रेटेजी बताई थी। अगर आपको शॉर्टर पीरियड ऑफ टर्म में यस बैंक में रहना है तो 13 रुपये के आसपास आप यहाँ पे डिलीवरी उठा सकते हो और 13.50 रुपये पर आप यहाँ पे बेच सकते हो। तो ये जो लेवल्स हैं वो 1-2 दिन में ही टच हो जाते हैं, तो ये कुछ सिनेरियो आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। सबसे पहली जो अपडेट निकल के आ रही है उसी पर डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी के अपडेट्स हम इस वीडियो के बाद में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स है और जिस पर आपको सबसे ज्यादा डराया जा रहा है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पे मैं आपको लेटेस्ट डेटा दिखा रहा हूं जो म्यूचुअल फंड का आपको देखने को मिलेगा यस बैंक में। यहां पे आप देख पा रहे होंगे ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने करीबन 5% से भी ज्यादा की होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है यस बैंक में। तो सबसे पहला पॉजिटिव चीज़ तो यही नज़र आता है कि ICICI प्रूडेंशियल जैसी AMC ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज़ किया है, जबकि यस बैंक अगर आप देखोगे तो कोई भी मूवमेंट शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर आप देखोगे तो जो इनकी रिसर्च कंपनीज हैं उन्होंने कुछ यहाँ पे पोटेंशियल देखा होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तभी इन्होंने 5% से भी ज़्यादा की होल्डिंग्स को इंक्रीज़ कर दिया है। वहीं अगर हम बात करें UTI के फंड के बारे में, तो वहाँ भी आपको मंथ ऑन मंथ में आपको चेंज देखने को मिल रहे हैं, जबकि आज सितंबर में देखोगे तो होल्डिंग्स डिक्रीज हुई है, लेकिन अक्टूबर में अगर आप देखोगे तो इंक्रीज करते हुए नजर आए हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव सिनेरियो यहाँ पे बनते हुए नजर आया है। DSP के एक फंड ने भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया, यहाँ पे फ्रेश बाइंग करते हुए नजर आए हैं, जो कि होल्डिंग्स आपको सेप्टेम्बर मंथ में नहीं दिखाई दे रही थी वो यहाँ पे आपको अक्टूबर मंथ में दिखाई दे रही है, यानी कि DSP जैसे फंड ने भी अब यस बैंक में खरीदारी कर दी है। तो ये कुछ सिनेरियोज निकल के आ रहे हैं, अभी मैं आगे और आपको बताने वाला हूँ।
अब यहाँ पे मेन चीज जो SBI की बात आई थी, आप यहाँ पे देख पाओगे SBI की निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने भी अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे अक्टूबर मंथ में और सितंबर मंथ दोनों के यहाँ पे आपको होल्डिंग्स देखने को मिल रही है, और दोनों ही मंथ में अगर आप देखोगे अच्छी खासी परसेंटेज के साथ यहाँ पे जो होल्डिंग्स है वो इंक्रीज की है SBI ने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ। अब जो मार्केट में आपको डराया जा रहा है SBI ने अपना पूरा पैसा निकाल लिया है, तो वो क्यों बताया जा रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। स्क्रीन पर आप यहां पर देखने को मिल रहा होगा SBI ने अपने एक फंड के थ्रू अगर आप देखोगे तो 0.53% से अपनी होल्डिंग्स को डिक्रीज किया है, जबकि अगर आप देखोगे दूसरा जो मैंने SBI का फंड दिखाया उसमें इंक्रीमेंट है, लेकिन उसको अभी तक हाईलाइट नहीं किया गया है। जस्ट एक फंड में जहां पे आधे परसेंट से भी कम अगर आप देखोगे तो होल्डिंग्स को डिक्रीज किया है, उस चीज को यहां पे सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया है कि SBI ने पूरा पैसा यस बैंक से निकाल लिया है, और मार्केट में जो नेगेटिव सेंटीमेंट्स क्रिएट करने की बात आ रही है वो ऐसे ही किए जाते हैं, छोटी छोटी चीजों को इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में, तो वहां से जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, शेयर पर दबाव आता है ट्रेडिंग सेशन में, और जो शेयर है वो अपसाइड जाने की बजाय डाउनसाइड चला जाता है, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि जो शेयर मार्केट है उसमें जो सेंटिमेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। तो इसी तरीके से मैंने भी आपको हमेशा से यही बताया है कि अगर आपने यस बैंक में निवेश कर दिया है तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टर्म के लिए आप भूल जाओ कि आपने निवेश किया भी था, क्योंकि शॉर्टर पीरियड ऑफ टर्म में डेफिनेटली कोई भी स्कोप नजर नहीं आता है। जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई थी 13 रुपए से 13.50 रुपए के बीच वाली, अगर आप शॉर्टर पीरियड ऑफ टर्म में निवेश करते हो तो वहां पे आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आप इसमें पैसे लगा के लॉन्गर पीरियड ऑफ टर्म के लिए छोड़ सकते हो, तभी आपको यहाँ पे कुछ दिखने वाला है, अदरवाइज आप यहाँ पे डेली पैनिक सिचुएशन में रहने वाले हो। ओवरऑल डेटा मैं आपको म्यूचुअल फंड का दिखाऊं, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है सारे मंथ्स का डेटा आपको देखने को मिल रहा है बार चार्ट के थ्रू। यहाँ पे आपको 3 बार देखने को मिल रहे हैं जिसमें होल्ड का है, सेलिंग का है, बाइंग का है, मतलब किस फंड ने आपको कितना होल्ड करते हुए नजर आए हैं और किन्होंने कितनी बाइंग की है, सेलिंग की है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस मंथ में कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको यस बैंक की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स में देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम देखें तो NPS का तो ये आपको CEO की तरफ से एक बड़ा बयान आया था कि मार्च 2022 तक जो यस बैंक के NPS हैं वो 0 होने वाले हैं, क्योंकि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो आपको क्रिएट होते हुए नजर आ जाएगी, उसमें पूरा जो NPA का पैसा है वो ट्रांसफर होते हुए नजर आएगा, और जो यस बैंक के फाइनेंशियल्स हैं वो आपको बहुत हद तक इंप्रूव होते हुए नजर आ जाएंगे, जिसका मेन बेनिफिट आपको यस बैंक को देखने को मिलने वाला है, जिसमें अगर आप देखोगे तो NPS अगर एक बार ये 0 हो जाते हैं तो यस बैंक की जो हालत है वो बहुत हद तक सुधरेगी, और यहां से जो इंप्रूव्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं उसका भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये कुछ सिनेरियोस थे जो मैंने आपको बताए, बाकी आप निवेश करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें, अपनी रिसर्च भी जरूर करें, वीडियो को केवल नॉलेज के पर्पज से ही देखें। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।